हरिंदर मुझे थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, मुझे बताइए आप कौन हैं। मेरा नाम हरिंदर मिश्रा है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला के। और सर मैं, मेरे घर में मेरे मम्मी है, पापा है और दो भाई, मैं एक बहन हूँ सबसे। यहाँ पर सर मैं लगभग एक साल से काम कर रहा हूँ। सर हरिंदर आपको हमारे बारे में पता है कैसे चला? सर सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो पहले मेरा एक दोस्त है मनोज, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने सर का नंबर दिया अफसर सर का, और सर से मैंने बात किया और फिर मैं सर से बात के सर बोले आने के लिए बोले, तो फिर मैंने यहाँ पे सर शुरू में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था सर, धीरे धीरे। वोडाफोन का प्रोसेस कैसा लगा तुम्हें? वोडाफोन में अच्छा लगा, लेकिन सर बहुत ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो मतलब काफ़ी मतलब अपने आप को मतलब नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना पड़ता है सर। तो जैसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब हम वोडाफोन से कुछ नहीं है, ये नहीं है, हम जाना चाहते हैं अदर नेटवर्क में, लेकिन उसे मतलब सर हैंडल करना पड़ता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है वोडाफोन से, उसको जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसे कोशिश करते हैं सर। वोडाफोन का आपके ज़िंदगी में जुड़ने से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सर यहाँ पे जब से मैं आया हूँ सर, तो एक तो मतलब दोस्तों के बीच में रहना और यहाँ पे वोडाफोन में कॉलिंग करना, ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जब से काम किए हमें अच्छा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे काम करने के बाद मुझे थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर कॉल करके अपने। और मुझे सर आगे मतलब ये है कि हम लोग जैसे जॉब के लिए मतलब अप्लाई करते रहते हैं, तो यहाँ से चाहते हैं कि हम कुछ आगे करें। वोडाफोन का अगर मान लीजिए यहाँ पे वोडाफोन के MD जो हैं आपको देख रहे हैं और आपसे एक कुछ सुनना चाहते हैं जिससे वोडाफोन की सर्विसेज और बेटर बन सकें और आप लोगों की ज़िंदगी और बेटर बन सकें, तो आप क्या मैसेज देंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि वोडाफोन अगर क्योंकि वोडाफोन का कस्टमर जितना अगर खुश होगा उतना ही हमारे लिए भी बेटर होगा और वोडाफोन के लिए बेटर होगा। तो सर मतलब कस्टमर को मतलब खुश रखने के लिए उसका जो मतलब जो भी अच्छे अच्छे टैरिफ होता है ताकि मतलब कस्टमर हमारी तरफ इम्प्रेसिव हो, तो उस तरह की मैं चाहूँगा कि वोडाफोन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कस्टमर खुश करने के लिए अच्छे अच्छे टैरिफ लाएँ, मतलब अच्छे अच्छे प्लान लाएँ, इंटरनेट पैक है, टैरिफ है, ये सब से ताकि हम लोग को भी मतलब कस्टमर को इम्प्रेसिव करने में थोड़ा आसान हो और अच्छा लगे कॉल कस्टमर्स। और वोडाफोन के कस्टमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोडाफोन को कस्टमर को मैंने अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कस्टमर कोई कोई ऐसा होता है कि तुरंत में सर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब वो नाराज़ हो जाते हैं सर, और मतलब वो अदर नेटवर्क में जाने की इधर उधर की बातें करने लगते हैं सब, मतलब थोड़ा मतलब उसे भी मतलब अपने आप को थोड़ा रखना चाहिए, पसंद रखना चाहिए। आगे में फ्यूचर में आप अपने आप को क्या देखते हैं, कैसे आप अपने आप को ग्रो करना चाहेंगे? सर अभी तो फिलहाल मैं यहाँ हूँ, लेकिन सर मैं चाहता हूँ अपने फ्यूचर में कि मेरे गवर्नमेंट जॉब मिले चाहे, और मैं अपने आप को करना चाहता हूँ। फ्यूचर में किसी ब्लाइंड बच्चे को आप अगर मान लीजिए, हरिंदर मैं एक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने कोई बहुत बच्चों को देखे होंगे जो कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, नहीं करते, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं बनना चाहते हैं और मजबूरी के कारण या हालात के कारण कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको हम समाज के नज़रियों से उसको अच्छा नहीं मानते हैं। भविष्य में ऐसे बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग लेकर अपनी ज़िंदगी को सुधार लें, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? सर आज जैसे अभी जो मतलब चल रहा है सर कंप्यूटराइज युग है, और कोई भी मतलब ब्लाइंड बच्चे को सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि वो कंप्यूटर तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसे सीखना ही चाहिए, और कंप्यूटर ट्रेनिंग करके वो अगर कंप्यूटर में उसका मन लग गया अच्छा है तो बहुत ही अपने आप को अपने मंजिल तक पहुँचने में उसे बहुत ही आसानी होगी और वो पहुँच सकता है। सर आपको डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में पता है? सर जी अभी मोदी जी चलाए हैं सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन सर ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये आने से इंडिया में मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही तरक्की होगा सर।
ठीक है, कुछ मैसेज नैबिट को आप देना चाहेंगे? सर नैबिट को मैं यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह से नैबिट ने यहाँ से बहुत बच्चे को मतलब आगे रास्ता दिखाने में बहुत ही मतलब सहयोग किया है, इसी तरह से आगे भी करते रहें। और जो हमारे अर्जुन सर और अभिषेक सर है, ये मतलब इसी तरह हम लोग का प्यार बढ़ाते रहें और ये नैबिट तरक्की।